तो बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच शाम को 7 बजे श्री बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट वैसे देखो नॉर्मली बिहेव करती है कई बार कभी। बात करें इस मैच की तो ये मैच शाम को 7 बजे श्री बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। अभी देखो पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली बिहेव करती है, कभी कभार यहाँ पर स्पिनर्स के लिए काफी अच्छी पिच हो जाती है, बाकी एवरेज आई थिंक यहाँ पर 150 के आसपास यहाँ पर रन बनने चाहिए। पिच रिपोर्ट यही कहेगा, बाकी यहाँ पर ज्यादा चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो टीम टॉस जीतकर पहले चेज करना पसंद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर चटोकरा चैलेंजर्स की। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियोस मिलेंगे, तो सारे अच्छे मैचेस के लिए आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। अभी देखो बात करें हम लोग यहाँ पर चट्टोग्राम चैलेंजर्स की, तो यहाँ पर तंजीद हसन और यहाँ पर एम हारिस मोहम्मद हारिस दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। तंजीद हसन जो कि वर्ल्ड कप में भी खेले थे और बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए भी ओपनिंग करवा चुके हैं। रिसेंटली फॉर्म हालांकि ठीक ठाक है, लेकिन वो बड़ी मैच थी और यहाँ पर इस लोकल लेवल के ऊपर अच्छा कर सकता है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड रहने वाला है तंजीद हसन, आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा इनको लेके जाना है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर मोहम्मद हारिस की जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अभी देखो इनके बारे में मैं बताऊँ ना तो ये थोड़े से हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, मतलब खेल गए तो ऐसे बड़ी पारी खेल सकते हैं, मतलब 50-60 रन की पारी खेल सकते हैं। आप रिसेंटली देख सकते हैं 5 मैच की बात की जाए तो जिसमें से 250+ किया है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, किसी भी मैचेस के अंदर ये कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। इसके अलावा से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वन डाउन की, हैरी ट्रैक्टर आएंगे यहाँ पर जो कि आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, अच्छा प्लेयर है, काफी जबरदस्त प्लेयर है और काफी अच्छे फॉर्म में भी है। 64, 22, 19 और 47 जैसे स्कोर किए थे, बाकी ओवरऑल 5 मैच के अंदर 166 रन है। इसके साथ यहाँ पर नजीबुल्ला जदरान देखेंगे, ये शायद यहाँ पर खेले ना खेले, आई थिंक शायद यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे कंफर्म नहीं, लेकिन फिर भी अगर खेलते हैं तो हम लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। यासिर अली दिखेंगे जो कि 36-25 मिडल ऑर्डर्स का बेसमैन बांग्लादेश की तरफ से खेलता है, 5 मैच के अंदर 87 रन है, थोड़ा सा रिस्क रहेगा इनको लेके जाने में। बाकी कुर्तिस टेम्पर की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, एज अ प्लेयर के साथ मैं इनको कप्तान वाइस कप्तान सजेस्ट कर सकता हूँ। हालांकि ये ओवर्स करेगा या नहीं करेगा कन्फर्म नहीं है, अगर ओवर्स कराएगा तो ऐसे विकेट वगैरह निकाल सकते हैं, तो आप लोग इनको एज अ प्लेयर जरूर लेके जाना है कुर्तिस टेम्पर को, इवन कप्तान वाइस कप्तान करना चाहो तो कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पर जेड रहमान जो कि यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छा एडवांटेज दे सकते हैं, हालांकि रिसेंटली फॉर्म इनका ठीक ठाक है, पिछले 2 मैच को अगर छोड़ दे तो इसके पहले 3-4 मैच के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल इन्होंने जरूर किया था, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाहो तो इसको लेके जा सकते हैं। बाकी स्वागता रहमान यहाँ पे स्वागता होम जो भी कहो आप लोग, ये बंदा इंपॉर्टेंस रह सकता है आपके लिए। रिसेंटली फॉर्म की बात की जाए तो इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं 5 मैच के अंदर और इसके साथ साथ 37 रन किए थे एक बार, ओवरऑल 5 मैच का 48 रन है और 2 विकेट है, इस प्लेयर को ले सकते हैं। बाकी इस्लाम दिखेंगे आपको जो कि हर मैच के अंदर से 1 से 2 विकेट निकाल के देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है पर मोहम्मद एस इस्लाम। इसके साथ यहाँ पर अल अमीन हुसैन एज अ प्लेयर के साथ आप लोग अगर रिस्क ले सकते हैं ना तो इस प्लेयर को कप्तान वाइस कप्तान करिएगा, क्योंकि इसका ऐसा है ना, अल अमीन हुसैन की बात करूँ तो ये बंदा जब मूड में होता है, मतलब जब ये अपना रिन होता है ना उनका, तो तब 4-5 विकेट एक साथ में निकाल देता है, अच्छा गेंदबाज है, अपन हर मैच के अंदर एक आधी विकेट तो निकाल के देगा ही देगा। इसके साथ यहाँ पर बिलाल खान की बात करते हैं जो कि रिसेंटली कंसिस्टेंट है, भरोसा कर सकते हैं आप लोग। इसके साथ आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलियर स्ट्राइकर्स की, सिलियर स्ट्राइकर्स की तरफ से आप पर एन हुसैन सांटो, नजमुल हुसैन सांटो, जिनसे वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी एक्सेप्टेशन थी लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, हालांकि एक आधी मैच के अंदर जरूर चले, रिसेंटली फॉर्म यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर पिछले 2 मैच के अंदर 47 और 46 कैसे स्कोर करते हुए आ रहे हैं। इसके साथ ओवरऑल 5 मैच के 113 रन है, बीबीएल स्टैट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर नजमुल हुसैन सांटो आपके लिए बेस्ट पिक बन सकते हैं। बाकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मोहम्मद मिथुन की, तो मोहम्मद मिथुन कंसिस्टेंट प्लेयर है, ओपनिंग में ये बंदा जब भी खेलता है ना तब अच्छा एडवांटेज देता है, रिसेंटली फॉर्म की बात की जाए तो 47, 36 और 42 जैसे स्कोर किए थे, ओवरऑल 5 मैच के अंदर 152 रन है, अच्छा प्लेयर है, यहाँ पर इनको टॉप में खेलने का मौका मिलेगा। देखो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर भी इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहेगा मोहम्मद मिथुन का खासतौर पर, क्योंकि आई थिंक मैंने जब भी देखा है कि मैक्सिमम ये 4th नंबर पर खेलते हैं ज्यादा टाइम, तो हो सकता है यहाँ पर ओपनिंग में ना रख के यहाँ पर 4th नंबर पर भी आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक ओपनिंग आने चाहिए यहाँ पर। जाकिर खान की, जाकिर हुसैन की बात करते हैं जो कि रिसेंटली 50 और 53 जैसे स्कोर करते हुए आ रहे, भरोसा कर सकते हैं। बैन कटिंग, ज़्यादातर पब्लिक इस प्लेयर को कप्तान वाइस कप्तान करेगी, ध्यान में रखिएगा, हालांकि इनका कंफर्मेशन नहीं है वो करेगा या नहीं करवाएगा, हो सकता है 4th नंबर पर मैंने मेंशन किया, हो सकता है 6th-7th नंबर पर भी खेलता है, इसका कोई बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं है, तो इनको कप्तान वाइस कप्तान करना तो अभी रिस्की रहेगा, लेकिन एज अ प्लेयर ले सकते हैं। बाकी समित पटेल को आप लोग कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हो, ये हर मैच के अंदर ऐसे आपको 1 से 2 विकेट निकाल के देगा, प्लस बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग से भी आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकता है।
इसके अलावा ऐसे बात करते हैं दुष्यंत हेमंत था जो कि अच्छे स्पिनर्स हैं, यहाँ पर स्पिनर श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और आई थिंक ये वर्ल्ड कप में भी अवेलेबल थे। रिसेंटली फॉर्म काफ़ी जबरदस्त है, इंपोर्टेंस रहने वाले यहाँ पर दुष्यंत हेमंत था। इसके अलावा ऐसे बात करते हैं मुशरफी मुर्तुजा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बांग्लादेश की तरफ से, काफ़ी लंबे समय के खेले हुए, कप्तानशिप भी किए हुए हैं और बीपीएल स्टैट्स यहाँ पर 5 मैच के अंदर 5 विकेट है, पिछले 5 मैच की बात की जाए 21 रन भी है। ये बंदा बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करवा लेते हैं, इनको भी आप लोग रिस्क के तौर पर कप्तान मैच के अपन कर सकते हैं। बाकी एज अ प्लेयर तो आपकी टीम के अंदर चाहिए। नईम हसन डिफरेंशियल पिक रहेंगे। बाकी ऐसे बात करूँ नजमुल इस्लाम इनके साथ यहाँ पर टी हसन साकिब इसके साथ यहाँ पर रिजाउर रहमान, यहाँ से मैं सजेस्ट करूंगा, देखो हम लोग यहाँ पर मुशरफी मुर्तजा को तो लेके जा रहे हैं, इसके साथ यहाँ से हम लोग टी हसन शकीब को लेके जा सकते हैं जो कि रिसेंटली अच्छे फॉर्म में, ओवरऑल 5 मैच के अंदर 6 विकेट है। और इसके साथ साथ यहाँ से बात की जाए तो नजमुल इस्लाम जो कि यहाँ पर पिछले 3-4 मैच के अंदर तो विकेट ले रहा है लेकिन ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है यहाँ पर, इसके साथ रेजाउल इस्लाम वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो ऐसे रेजाउल इस्लाम इनके साथ यहाँ पर मुशरफी मुर्तजा, ये दोनों इंपॉर्टेंस है। बाकी यहाँ पर आप लोग की बात करूँ तो नईम हसन, नजमुल इस्लाम और टी हसन साकिब, इन दोनों में किसी एक या दो प्लेयर को ले सकते हैं, जहाँ से मेरा सजेशन है अगर टी हसन साकिब को ऊपर तो रहेगा, बाकी 2 चॉइस बचते हैं, इसमें से किसी एक को ले सकते हैं। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ज्वाइन करना है अभी के लिए। देख लेते हैं हमारी डेमो फैंटेसी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो टीम देख लेते एक बार, मैंने यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से लिया है मोहम्मद मिथुन को, यहाँ पर आप लोग किसको ले सकते हैं तो मोहम्मद हारिस को, हालांकि हारिस जो है इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, खेलेगा तो यहाँ पर 60-70 रन भी कर सकता है, आउट हुआ तो जल्दी भी आउट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर इनके ऊपर रिस्क लिया, आप लोग चाहो तो इनको ले सकते हैं मोहम्मद मिथुन की जगह पर, लेकिन मुझे मिथुन कंसिस्टेंट लग रहे हैं, दोनों चॉइस आपकी है। बाकी बात करिए बैटिंग सेक्शन की, हैरी टेक्टर है, इसके साथ यहाँ पर नजमुल हुसैन शांटो और इनके साथ यहाँ पर तंजीत हसन को मैंने लिया है, तंजीत हसन को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह पर किनको लेना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी यहाँ से बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन से बेन कटिंग है, इनके साथ यहाँ पर कुलतीस चंपर है, इनके साथ यहाँ पर दुष्यंत हेमंत था और इनके साथ समित पटेल हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी आप लोग आई थिंक स्वागता होम को ले सकते हैं, अगर यहाँ पर होवेल अवेलेबल रहता है तो वेरी इंपॉर्टेंट भी, इसको हम लोग कप्तान वाइस कप्तान भी कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं हम लोग बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन यहाँ पर अल अमीन हुसैन, इसके साथ यहाँ पर मुशरफी मुर्तजा और इनके साथ यहाँ पर मोहम्मद नजमुल इस्लाम हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए चॉइसिस की बात की जाए तो सबसे पहले 2 S इस्लाम दिखेंगे आपको, यहाँ पर शहीदुल इस्लाम और इनके साथ यहाँ पर एक शकील है और आई थिंक एक शहीदुल इस्लाम है और एक है शफीकुल इस्लाम है, तो आई थिंक यहाँ पर नजीमुल इस्लाम की जगह पर आप शहीदुल या शफीकुल को भी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर टी शकीब भी अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर, तंजीत शकीब, तो ये 3-4 प्लेयर में से किसी को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी के लिए नजमुल इस्लाम के साथ जा रहा हूँ। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान हमारे रहने वाले समित पटेल और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर कुर्तीस चंपर को किया है, आप लोग इनको रोटेट कर सकते हैं, मतलब कुर्तीस चंपर ज्यादातर पब्लिक के कप्तान है, करीब 40% से प्लस लोग इनको कप्तान करते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग अगर सेफ जाना चाहते हो तो ऐसे चंपर को कप्तान करके वाइस कैप्टन आप लोग समित को भी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर बेन कटिंग भी चॉइस है, मुशरफी मुर्तजा है, तो इन सारे प्लेयर्स के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। बाकी देखो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, अगर लाइन अप में कोई चेंजेस रहेगा तो हमारी टीम के अंदर भी चेंजेस रहेगा और हमारी फाइनल जो भी टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम में मिलने वाली, तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी मीनिंग करो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।